अच्छा एग्जाम शुरू होते ही मेरे हाथ चलते फास्ट, एकदम फास्ट, जब तक कि मैं नेम एंड रोल नहीं लिख लेता। हो गया, मुझे जितना आता था हो गया। सर पेपर ले लो। हो गया मेरा, घर जा रहा हूँ। पर नहीं, CBSE ने 3 घंटे दिया है ना मैं, अगर पेपर नहीं आता तो टीचर का दिमाग खा सकते हैं ना, कर सकते हैं ना उसे पागल, कर सकते हैं ना उसे खुदकुशी करने पे मजबूर। बिल्कुल करेंगे हम। हम हो जाते हैं शुरू कि अब सामने वाले का जितना हुआ है उतना होगा मेरा, और अगर नहीं हुआ तो बाहर होगी मीटिंग। बहुत मारूंगा इसे, बहुत ज्यादा। हम हो जाते हैं शुरू। ये तुम सांप की तरह, जैसे नहीं दिखाएगा तो डस ही लेंगे इसे अभी के अभी। फिर दोबारा आवाज मारते हैं, सुन ले। दो बार बुलाने के बाद लगता है ये भौंसले वाला है क्या, ये हरामी सुन रहा है, बट रिप्लाई जब तक नहीं करेगा जब तक कि टीचर भी ना देख ले। ओए सुन ले, टीचर ने देख लिया। इसका आंसर साइन कोस टैन इट्स मीन बैन करोड़ा, कब तक देखेगा मेरे को। ओए दिखा दे मेरे को। उसके बाद ये बंदा जब पलटता है तो ऐसे देखता है जैसे इसकी माँ का हाथ मांग लिया। Like ऐसे। अभी कर रहा हूं ना मैं, जब हो जाएगा तो दिखा दूंगा। और हम भी सहन करते हैं क्योंकि पूरे साल हमने चौक पे बैठ के सुट्टे मारे हैं। अब झेलो, कीजिए सर, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा कीजिए, उसके बाद हमें दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं सर, सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। उसके बाद ये किताबी कीड़ा 10 दिशाओं से अपनी शीट घेर के साला ऐसे कहीं लिख रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा हाथ हटा ले, अभी बोला ना तेरे को जब हो जाएगा तो दिखा दूंगा, पर अब टाइम बीत चुका है और मूड हो चुका है एकदम खराब वाला। मैंने कहा वो लीचड़ सुन, तू कर, बिल्कुल कर, पूरा का पूरा कर, लेकिन उसके बाद अगर मुझे नहीं दिखाया ना तो गंडिया पे इतनी डंडियां मारूंगा ना कि नेक्स्ट टाइम में एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। मैं बैकग्राउंड में देख रहा हूँ सबके सब शीट मांग रहे, 5 शीट 6 शीट। मैंने कहा मेरे पास 1 शीट, वो भी खाली, कैसे चलेगा काम मेरा। 2 घंटे बीत चुके हैं, मेरा पेपर बिल्कुल खाली है, जो नंबर मिले सिर्फ सफाई के, मैं लिख भी कुछ नहीं रहा, 5 नंबर आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। लोग तो मेरे को कह रहे हैं ओए ये ले 2 नंबर का क्वेश्चन कर ले। मैंने कहा नहीं, मेरे 5 आ चुके हैं, अगर 13 गलत हो तो मेरे वो भी कट जाएंगे। तू कर, 5 आ चुके हैं ना, बहुत है, अब दुनिया रिस्पेक्ट देगी, ऊंची नजरों से देखेगी। हमेशा 0 लाता था, 5 लिया है, रिश्तेदार तो पागल ही हो जाएंगे। चरण कहाँ है बेटा आपके, मैं अंकल जी ये रहे, चूमो और निकलो, बात नहीं करूंगा किसी से, लीचड़ दोस्तों से ही बोलना छोड़ दूंगा, अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा। पर सच बताऊं तो अंदर से फटी पड़ी थी, कुछ नहीं हुआ है यार, खाली पेपर है। मैंने उस दौरान सबके चेहरे देखे, सबके सबके फेस पे 80 सुपर मार्क्स देख रहा हूं, सब खुश, सबके सब, एक मैं ही उदास था, पर 2 और भी थे जो मुझसे भी ज्यादा उदास थे, मेरे भाई समान बेटे लोग। उन चूतियों को फर्स्ट बेंच मिली थी, वो जैसे बैठे वैसे ही उठ गए, कुछ नहीं हुआ उनका। सुकून का नाम सुना है, हाय हाय, आई एम लाइक भगवान, आज तो ऑर्डर कर ही देता हूं, अरे खा लेना यार, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा वाला। और CBSE यार इतना हार्ड पेपर सेट करती है ना, मेरा मन करता है कभी जाके इनसे पूछ के आऊं, क्या क्या दुश्मनी हमसे, मेरे बाप ने तेरे दादा वादा कुछ बिगाड़ा है क्या, जाति दुश्मनी निभा रहा है, जायदाद के लड़ रहा हमसे, पूछना इजी क्वेश्चन पूछना हमसे, बताएंगे तेरे को, पूछना कि राहुल गांधी PM बनेगा कि नहीं, बताएंगे ना, पूछना कि अच्छे दिन आएंगे कि नहीं, ये तो हार्ड हो गया, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन, ये नहीं, ये मत पूछ, किसी को नहीं पता, दे आर जस्ट वोटिंग। और हम
पहले से रेडी नहीं होते, लेकिन 3 महीने, अरे इतना ज़्यादा टाइम है अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 महीने रह गए, कोई नहीं, एक कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन, अरे इतना ज़्यादा समय अभी पढ़ के क्या करेंगे, फिर एक दिन सीधा एग्जाम की सुबह उठते, आज तो एग्जाम है पर अब क्या पढ़ लूँगा, चलो जय माता दी लिख के आते हैं। जब फेल हो जाते हैं तो कुछ बच्चे जो सॉरी कुछ बच्चे तो झेल लेते हैं, लेकिन कुछ झेल नहीं पाते, उनको लगता है अब एक ही ऑप्शन है, पंखे से लटक के और गोल झूल जाऊंगा, और इनको लगता है कि पूरी दुनिया उसके बाद बैठ के इनका शोक मनाएगी, ओ मर गया, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, घंटा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारी फैमिली को पड़ता है, पूरे टाइम तुम लोगों ने कुछ दिया नहीं, और अब ये चूतिया गया है तो भी तकलीफ ही देके गया, पर हरामी लौंडा ऐसा नहीं होता वो अपना रिजल्ट, फेल का रिजल्ट लेके बाप के सामने खड़ा होता, इसका बाप ही कह रहा होता कब तक फेल होगा, कुछ दिनों बाद तेरे बच्चे तेरे साथ स्कूल जा रहे होंगे, अरे पंखा कहाँ है, रस्सी लाओ, मर जाना ही बेहतर है। शर्मा जी के लौंडे को देख, कह रहा है उसी को देखने के चक्कर में तो फेल हो गया, इसका बाप सोच रहा लौंडे को देखने के चक्कर में फेल, ए विमला ये तेरा बेटा क्या निकल गया रे, ए देख रे ये क्या मुझसे पाप हो गया, मैं कैसी चीज का बाप हो गया, छी ए विमला पता नहीं है दहेज लेना है कि देना है रे, बर्बाद हो गया रे, ओहो जा यहां से कुछ भी कर। एक बार एक भड़के हुए स्टूडेंट ने कहा, कुछ तो कहा होगा ना, क्या कहा होगा उसने, उसने कहा कि ना इस कदर हम पे यूं जुल्म करो, ना इस कदर हम पे यूं जुल्म करो, अब यहां शायरी है, पढ़ना तो हम भी चाहते हैं, तुम सिलेबस तो कम करो, कहा था उसने, मैं ही था वो आशिक स्टूडेंट।